चलिए कुछ और खबरों का रुख करते हैं विस्तार से। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर पर आतंकी हमले के लिए 3 आतंकियों को ट्रेनिंग दी। भारत के अलग अलग शहरों में घूमकर इन आतंकवादियों ने एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया। इस प्लान में वो आतंकवादी भी शामिल किया गया जो 21 साल पहले गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हुए अटैक में शामिल था। इस्लामाबाद से अयोध्या को टारगेट करने के प्लान में और कौन कौन शामिल है इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान में फरातुल्ला गौरी ने श्रीराम मंदिर पर हमले का प्लान बनाया और अंजाम देने के लिए इन 3 आतंकियों को तैयार किया। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने मोस्ट वांटेड आतंकी शहनवाज समेत 3 आतंकियों को गिरफ्तार कर पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। आतंकियों ने पुलिस को बताया कि अयोध्या का राम मंदिर, गुजरात और दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर इन आतंकियों के निशाने पर था। दिल्ली के भीड़ वाले बाजार, रेलवे स्टेशन और बीजेपी और आरएसएस के बड़े नेताओं को ये लोग जो हैं हमला करना चाहते थे। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक आईएसआईएस के 3 आतंकियों से पूछताछ में 26/11 जैसा हमला करने की प्लानिंग का खुलासा हुआ है। इन आतंकियों के निशाने पर अयोध्या का श्रीराम मंदिर और दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर भी था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के 3 आतंकियों मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद रिजवान अशरफ और मोहम्मद अरशद वारसी को गिरफ्तार किया है। इन आतंकियों का हैंडलर पाकिस्तान में बैठा आतंकवादी फरातुल्ला गौरी है जिसने श्रीराम मंदिर पर हमले की प्लानिंग की। आईएसआई के एलिमेंट्स हैं, उनके द्वारा प्रमोटेड सपोर्टेड फरातुल्ला गौरी मेन है, उसका फिर सन इन लॉ है फैसल, तो उन सब से इनके तार जुड़े हुए थे। और इसके अलावा काफ़ी ऐसी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनके बारे में काफ़ी ज़्यादा नेट पे भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो ये अलग अलग उनको तरीके से कॉन्टैक्ट करते थे और उस तरीके से गाइडेंस लेते थे। हैदराबाद का रहने वाला फरातुल्ला गौरी भारत से फरार होकर पाकिस्तान में आईएसआई की सुरक्षा में छिपकर बैठा है। फरातुल्ला गौरी इससे पहले गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर साल 2002 में हुए हमले में शामिल था। गौरी ने 2002 में ही हैदराबाद में एसटीएफ ऑफिस पर सुसाइड अटैक करवाया था। भारत सरकार ने फरातुल्ला गौरी को वांटेड आतंकवादी घोषित किया है। फरातुल्ला गौरी यूट्यूब पर अपने भाषण के वीडियो डालकर भारत के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करता है। आजकल गौरी और उसका दामाद शाहिद फैजल आतंकी संगठन आईएसआईएस के नाम पर भारतीय नौजवानों को जिहाद के लिए तैयार करता है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां लगातार काम कर रही थी, इसको ट्रैक किया गया और उसके बाद दिल्ली में मौजूद आईएसआईएस का मॉड्यूल को बस कर इन 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है जिसमें मुख्य और खूंखार आतंकी शहनवाज है, जिससे लगातार दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम, रो और आईबी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। इन 3 आतंकियों से पूछताछ के बाद राम मंदिर पर हमले की तैयारियों के बारे में और खुलासे हो सकते हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने फरातुल्ला गौरी की ऑनलाइन जिहाद फैलाने की कोशिशों को ट्रैक किया है जिसकी मदद से वो पाकिस्तान में बैठे बैठे सोशल मीडिया की मदद से कट्टरपंथ फैला रहा है। आतंकी शहनवाज, रिजवान और अरशद तीनों अपने हैंडलर गौरी को लगातार रिपोर्ट भेज रहे थे। ये इस सारे का जो जेनेसिस है वो क्रॉस बॉर्डर में पाकिस्तान में है, जैसा कि हमने पहले भी बताया। जो इनके ओरिजिनल सरगना है उनका तार अहमदाबाद ब्लास्ट टाइम से कहीं ना कहीं क्रॉस बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। उसमें फरातुल्ला गौरी जो है मेन है और उसका सन इन लॉ फैसल है। इन आतंकियों ने मंदिरों के साथ दिल्ली, मुंबई समेत गुजरात के कई शहरों में रेकी भी की थी, यानी हमले के लिए पूरी तैयारी हो चुकी थी, बस तारीख तय करना बाकी था। दिल्ली के भीड़भाड़ वाले बाजार, रेलवे स्टेशन को भी आतंकियों ने अपनी टारगेट लिस्ट में शामिल किया था। बीजेपी और आरएसएस के बड़े नेताओं पर हमले के लिए भी प्लान बनाया था। आईईडी धमाके करके नेताओं की हत्या की साजिश की थी। सूत्रों के मुताबिक मुंबई, सूरत, वडोदरा, गांधीनगर और अहमदाबाद ने बड़े नेताओं के रूट की रेकी की थी। आरोपियों का मकसद देश के कई शहरों में ब्लास्ट करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान लेना था। काफ़ी लोगों से ये इंटरनेट पे अलग अलग तंजीमों से इन्होंने रास्ता बना रखा था और इनको तमाम तरह के जो केमिकल्स कैसे उनको प्रक्योर करने से लेके कैसे उनको असेंबल करना है, उसकी कैसे मैक्सिमम कैजुअल्टी इंश्योर करनी है,
वो सारी चीज़ें भी उसके रिलेटेड लिटरेचर जो था उसके टिकाने से रिकवर किया गया है। आतंकियों के टारगेट पर बड़ी हस्तियां थीं और सीधा लिंक आतंकी संगठन ISIS से मिला है। इन आतंकियों की 7 दिन की रिमांड में कई और राज खुलने की उम्मीद है। दिसंबर 2022 से आतंकी शहनवाज ने फरातुल्ला गौरी के इशारे पर दिल्ली में ही बम धमाके की तैयारी के लिए मटेरियल इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। इन आतंकियों के पास बम बनाने के सामान के साथ पिस्टल और गोलियां भी मिली हैं। 3 आतंकी में से 2 इंजीनियर और 1 मौलाना है। आतंकी शहनवाज को बम बनाना आता है। उसने कई जगहों पर बम धमाके की टेस्टिंग भी की थी। इनका निशाना भी तैयार था और इनकी टारगेट लिस्ट सीधे पाकिस्तान से आ रही थी। इनकी मदद से पाकिस्तान 26/11 से बड़ा हमला करना चाहता था, पर पुलिस और एजेंसियों ने पाकिस्तान की इस कोशिश को नाकाम कर दिया। दिल्ली से नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।